आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। खबर रीवा जिले से है, जहां आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घटित होती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन एक दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल चोरी ना हो रही हो। लंबे समय से हो रही बाइक चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस ने ऐसे ही बाइक चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में शिवम पाठक, पिता भोला प्रसाद पाठक, उम्र 23 वर्ष, निवासी केमार थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, प्रकाश सिंह उर्फ बंटी, पिता नरेंद्र सिंह पटेल, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिल्हा थाना चोरहटा, पवन सिंह उर्फ साहब, पिता श्रीनिवास सिंह पटेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी खैरा थाना चोरहटा, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, पिता बीरबल त्रिपाठी, उम्र 37 वर्ष, निवासी सगैनी थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, और इलियास उर्फ पप्पू, पिता रामुद्दीन मंसूरी, उम्र 40 वर्ष, निवासी भोलगढ़ थाना चोरहटा के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों से 13 बाइक बरामद की गई हैं, साथ ही पुलिस ने कई गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। उक्त चोरी का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि जिले में हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वाहन चेकिंग चलाई जा रही थी। अमैया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान शिवम पाठक, पिता भोला प्रसाद पाठक, निवासी रामपुर बघेलान जिला सतना को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभिरक्षा में लिया गया था, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की, जिसकी निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से गाड़ियां बरामद की गई हैं। बरामद गाड़ियों में बुलेट, एचएफ डीलक्स, स्कूटी, सीडी डीलक्स, पैशन प्रो, बजाज डिस्कवर शामिल हैं, साथ ही 4 अन्य मॉडिफाइड मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की हैं, जिनके चेसिस और इंजन नंबर को मॉडिफाइड किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। उक्त चोरी के गाड़ियों की कीमत 8 लाख से अधिक बताई जाती है। की गई कार्यवाही में सिविल लाइन थाना प्रभारी हीरेंद्र नाथ शर्मा, साइबर सेल प्रभारी बीरेंद्र सिंह परिहार, अमैया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक निशा खूथा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। बीस मई को ये अमैया थाना में चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई, जिसको लेकर के शिवम पाठक जा रहा था। ये शिवम पाठक रामपुर बघेलान का रहने वाला है, सतना जिले का। इससे पूछताछ की गई तो गाड़ी के कागज़ नहीं मिले। शंका होने पर इसको लाया गया, तो इसके साथ 3 और आरोपी जो है, प्रकाश सिंह उर्फ बंटी, पवन सिंह उर्फ साहेब, ये चोरहटा के हैं, ये उनके साथ मिले। और उनसे जब पूछताछ की गई तो करीब 13 मोटरसाइकिल जो शहर के विभिन्न स्थानों से चोरी कर ले जा करके बेचा गया था, वो बरामद किए गए। इसी दौरान पूछताछ के समय में एक बेला के पास में ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और इलियास, दो लोग ऐसे मिले जो कि गाड़ी को मॉडिफाई कर देते थे, चोरी की गई गाड़ी को, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदल देते थे। उनके जो नंबर है उसको जो है या तो मिटा देते थे या नया नंबर अलग से जोड़ देते थे, ताकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर से भिन्न हो जाए। और कई गाड़ियां ऐसी थीं उसके अंदर, जो 4 गाड़ी पकड़ी गई ऐसी, जिसके अभी तक वो रजिस्ट्रेशन किस नंबर पे है उसका ये पता नहीं चल पाया है। वो गाड़ी उनके पास से बरामद हुई है, और ये गाड़ी बहुत ही मामूली कीमत में वो बेच देते थे, या फिर उनका जो इंजन है, इंजन निकाल करके बेच दिया और पार्ट करके उसकी गाड़ी को बेच करके, और बाकी जो सामान था उसको अलग अलग उस डिस्पोज ऑफ कबाड़ियों के माध्यम से कर देते थे। ये एक बड़ा खुलासा पता चला था, जिसकी लगातार उससे इनसे पूछताछ चल रही थी। कल पुलिस ने जो है, इसमें सिविल लाइन पुलिस और अमैया पुलिस ने इनका पीआर लिया था, पुलिस रिमांड, पूछताछ की है।
अभी इनसे और भी मोटरसाइकिल मिलने की संभावना है। आज उनका पीआर ख़त्म हो रहा है, न्यायालय पेश किया जाएगा, उनसे और निवेदन किया जाएगा न्यायालय से कि ये हमको और मिलें ताकि और भी ज़िले की गाड़ियों को बरामद कर सकें। ये केवल रीवा ज़िले में ही नहीं, सतना और आसपास ज़िले में भी ये चोरी करते हैं और मुख्य रूप से ये नशा करते हैं और नशे की हालत में ये और उसके लिए नशे के लिए चोरी करते हैं। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।